हिंसा के बीच बोले सीएम खट्टर, ब्रजमंडल यात्रा की अनुमति नहीं है लेकिन लोग पूजा कर सकते हैं। भारी बारिश से मुसीबत में उत्तर बिहार, कोशी नदी उफनाई, दर्जनों गांव हुए जलमग्न। अब होगी एफआईआर की राजनीति, बाबूलाल मरांडी पर पांचवा केस दर्ज, भाजपा नेता ने हेमंत सोरेन पर बोला हमला। तो 2024 चुनाव में कांग्रेस के पीएम कैंडिडेट होंगे राहुल गांधी, सीएम गहलोत बोले मोदी 2024 में कांग्रेस की वजह से बने पीएम। नवादा में युवक की पीट पीट कर हत्या, दुकान में की गई तोड़फोड़, परिजन बोले 7 लाख रुपए भी लूटे। प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर 12 बजे B20 समिट इंडिया को करेंगे संबोधित। हरियाणा के नूह में 28 अगस्त तक स्कूल कॉलेज बंद, इंटरनेट बैन, फिर से धारा 144 लागू। पाकिस्तान में बिजली के रेट पर सियासत जारी, इमरान खान ने बढ़ती कीमतों को लेकर शहबाज शरीफ सरकार को ठहराया जिम्मेदार। अमेरिका ने कहा यूक्रेन युद्ध नहीं है समझौते के लायक, सिर्फ भारत से आम सहमति बन पाने की उम्मीद। भारत ने चांद पर रखा कदम, पाकिस्तान सरकार लोगों की गर्दन पर रख रही पैर, बोले जमात ए इस्लामी प्रमुख। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।